हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर इज द मर्करी सेल। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने क्या स्टडी किया था? ड्राई सेल के बारे में पढ़ लिया था कि ड्राई सेल का आप लोगों को यूज पता होना चाहिए, कहाँ यूज होता है और कैसे उसके सेल सिलेक्शन कैसे है। ऐसे आपके पास नेक्स्ट कौन सा मर्करी सेल है? दोनों किसके पार्ट है? प्राइमरी सेल के हैं। दोनों जो सेल है यूज एंड थ्रो वाले हैं, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोल देते हैं। और मर्करी सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। मर्करी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बटन सेल भी बोलते हैं। एक नाम और होता है मर्करी सेल को, अपन लोग क्या बोलते हैं? बटन सेल। जो मर्करी सेल है वो यूज किया कहां गया? हैंड वॉच, जो आपकी हैंड वॉच होती है उसके अंदर सेल होते हैं, वो कैसे होता है? बटन जैसे होता है। दैट्स वाई इस सेल को अपन लोग क्या नाम दे रहे हैं? बटन सेल भी बोलते हैं या फिर मर्करी सेल। और इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है? एक जिंक का कंटेनर होगा। इस तरीके से आपके पास क्या होगा? एक जिंक का क्या है यहाँ पे? कंटेनर है, ठीक है। इस जिंक के कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट की रोड को क्या कर लेते हैं? पुटअप कर लेते हैं। ये जो रोड है वो किस चीज की बनी हुई है? आपकी ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? पोरस पेपर होता है। जो पोरस पेपर क्या करता है? जिंक कंटेनर और ग्रेफाइट रोड को क्या करता है? सेपरेट आउट कर देता है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे पोरस पेपर है। और अब यहाँ पे ग्रेफाइट की रोड और जो पोरस पेपर होता है, इन दोनों के बीच में हम क्या फिलअप करते हैं? पेस्ट फिल किया जाता है। क्या फिल किया जाता है? एक पेस्ट फिल किया जाता है। किस चीज का पेस्ट होगा? मर्करी का सेल है तो कोई ना कोई मर्करी से रिलेटेड कोई चीज होगी। इसके अंदर हम फिल करते हैं मर्करी ऑक्साइड और पेस्ट ऑफ लिख देंगे। पेस्ट ऑफ किसका पेस्ट होता है? यहाँ पे पेस्ट ऑफ होता है मर्करी ऑक्साइड प्लस में क्या होता है आपका? KOH, क्लियर है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर है इसी बात है? अब इसके अंदर आपके पास ये सेल है। अब इस सेल के अंदर आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। इसके अंदर एनोड क्या है आपकी, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, क्लियर। इसके अंदर जो एनोड की तरह काम करेगा वो कौन काम करेगा? आपका जिंक एज एनोड की तरह काम करेगा। और जो मर्करी ऑक्साइड होगा किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन होगा? आपका KOH एज इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो KOH, वो किसमें टूटा हुआ मिलेगा आपको? के पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा हुआ मिलेगा। बात समझ में आती है ना? KOH किसमें टूटा मिलेगा आपको? के पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। एक बात ध्यान में रखना है, सेल की जो रिएक्शन है उस सेल की रिएक्शन के लिए आपने दो ये पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, जो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट होगा वो एनोड के पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, अनोड रिएक्शन में जब प्रोडक्ट साइड वाटर बनेगा वो कैथोड के रिएक्टेंट में, वो कैथोड रिएक्शन की रिएक्टेंट में ऐड होगा, कैथोड रिएक्शन के रिएक्टेंट में ऐड होगा। ये ध्यान में रखनी दो बातें आपको, ऐड होगा। इतनी सी कहानी समझ आती है? दोनों पार्ट समझ आते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, देखो इलेक्ट्रोलाइट के पास एक पॉजिटिव पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है उसका नेगेटिव पार्ट है। ये जो नेगेटिव पार्ट होगा किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा। अगर एनोड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा? वाटर बनेगा ना। वो जो वाटर होगा वो कहां यूज होगा? किसके पास जाएगा? वो कैथोड रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन करते हैं, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड के ऊपर आपकी क्या रिएक्शन होगी। एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? आपका जिंक किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह। अगर जिंक आपका एनोड है तो जिंक से किसमें जाएगा? जिंक क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिंक से प्लस टू में जाएगा, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे? टू इलेक्ट्रॉन आएंगे। प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे? टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो जिंक से किसमें गया? जिंक प्लस टू में गया। जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस टू चार्ज है। इसको आपने क्या करना? न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा यहाँ पे। अब जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव आएगा बेटा? दो नेगेटिव आएगा। अब इसके पास जो नेगेटिव आएगा वो आएगा कहां से? जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, ये नेगेटिव पार्ट क्या आएगा? इसके पास आएगा। अब OH के पास कितना नेगेटिव है? एक। जिंक के पास कितना पॉजिटिव है? दो। अगर जिंक के ऊपर दो पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव आएगा इसके पास? दो नेगेटिव आएगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करना है, एक OH नेगेटिव इसके एक पॉजिटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो दो OH नेगेटिव क्या करेगा? इसके दो पॉजिटिव क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो OH नेगेटिव कितने आएंगे इसके पास बेटा? दो आ जाएंगे। तो देखो
जिंक 2 पॉजिटिव है और OH क्या है आपके पास नेगेटिव, इसको मिलाना कैसे है ऐसे भी कर सकते हो, जिंक के ऊपर कितनी वैलेंसी है 2, OH के ऊपर कितनी है 1, तो इसका 1 इधर इसका 2 इधर, तो क्या बनेगा यहाँ पे ZnOH का क्या बनेगा होल ट्वाइस बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में बनेगा क्या, ये चीज लिखनी है आपने ZnOH का क्या बनेगा होल ट्वाइस, प्लस में क्या बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इधर 2 OH है तो इधर भी तो कितने आए OH आएंगे बेटा 2 OH, 2 OH नेगेटिव आएगा। जिंक के पास क्या होते हैं 2 OH नेगेटिव आते हैं और क्या बन जाता है जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो जिंक हाइड्रोक्साइड होता है ना ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप टूट जाएगा आगे, किसमें टूटेगा ये अपने आप, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस में क्या बनेगा वॉटर, प्लस में क्या बनेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास एनोड के ऊपर एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होती है, रिएक्टेंस साइड ये बनेगा और प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा ये चीजें बनेगी। Zn plus 2 OH negative gives out to zinc oxide plus H2O plus में क्या बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन बनेगी। 21 सेकंड में आती है। अब देखो एनोड के अंदर ये रिएक्शन कहां हो रही है आपकी एनोड पे हो रही है। अब एनोड के अंदर जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है आपका वॉटर बन रहा है। अगर एनोड के अंदर प्रोडक्ट साइड अगर आपका वॉटर बनेगा तो वो किसके पास जाएगा कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब देखो कैथोड के अंदर क्या होगा बेटा कैथोड के अंदर आपका जो मर्करी ऑक्साइड है HGO है, HGO के अंदर क्या होगा वॉटर आएगा यहाँ पे, यहां से एक मॉलिक्यूल वॉटर निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल वॉटर कहां आएगा इसके पास, प्लस में एनोड के अंदर तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किसके पास जाते हैं बेटा कैथोड के पास, प्लस में क्या बने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात समझ में आती है। अब मर्करी ऑक्साइड को तोड़ लो आप लोग, एक ओ पे कितना नेगेटिव होता है 2 नेगेटिव, तो Hg के ऊपर कितना पॉजिटिव रहा होगा बेटा 2 पॉजिटिव रहा होगा, इसको ऐसे टूटेगा ना, ये कैसे टूटेगा आपका Hg टू पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में टूट जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है ठीक है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है Hg टू पॉजिटिव है, Hg जो मर्करी के ऊपर जो 2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Hg में, तो मतलब एक जो प्रोडक्ट आपको वो क्या बनेगा Hg बन जाएगा। प्लस में पानी को तोड़ लो बेटा, पानी किसमें टूटेगा आपका H पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव, इन सारा को क्या कर दीजिए बेटा और ऐड कर दीजिए। मर्करी Hg टू पॉजिटिव क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बन जाएगा मर्करी बन जाएगा, जो बाकी की चीजें बची हुई उन सबको क्या कर दीजिए आप लोग ऐड कर दीजिए। अगर इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा देखो, एक OH नेगेटिव तो ये रहा बेटा, एक इसके ऊपर देखो H के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास OH नेगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा OH नेगेटिव। देखो H के ऊपर एक पॉजिटिव है, O के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव में से एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव बचेगा और OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव ये रहा एक OH नेगेटिव ये रहा, तो कितने OH नेगेटिव बने बेटा यहाँ पे 2 OH नेगेटिव बन जाएंगे। इतनी सी कहानी समझ आती है। लो अब इनको क्या कर दो ओवरऑल रिएक्शन क्या कर देंगे ऐड कर देते हैं। अब ये ओवरऑल रिएक्शन देखो ये चीजें नहीं लिखनी आप लोगों ने, ये चीजें नहीं लिखनी है, आपने क्या लिखना है एनोड के ऊपर ये रिएक्टेंट है ये आपका क्या प्रोडक्ट है ठीक है, कैथोड के अंदर ये आपका रिएक्टेंट है ये आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट लिखा, ये सिर्फ समझाने के लिए था और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इनको ऐड करते हैं, जिंक था जिंक प्लस HGO है आपके पास प्लस 2 OH नेगेटिव, देखो 2 OH नेगेटिव इधर है और इस कैथोड के अंदर जो प्रोडक्ट है 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव क्या हो गया आपका कट हो जाता है। वाटर H2O देखो इधर प्रोडक्ट साइड है इधर क्या बेटा रेक्टेंट साइड है, क्योंकि एनोड के अंदर प्रोडक्ट साइड से जो वाटर निकला वो कहां यूज हो गया आपको थोड़े के अंदर यूज हो गया बेटा, तो H2O से H2O से 2 इलेक्ट्रॉन से आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे तो और क्या बनेगा यहाँ पे गिव्स आउट टू क्या बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा आपका Hg बन जाएगा। ये आपके पास क्या होगी रिएक्शन होगी बेटा ओवरऑल, बस ये सिंपल से रखिए ना, जिंक प्लस HgO गिव्स आउट टू जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या बन जाएगा पे Hg बन जाएगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑन इसके अंदर हो रही है बेटा, ये मर्करी सेल के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे लिख लेना बेटा, ये जो है वो किस चीज की रोड है यहाँ पे ग्रेफाइट की रोड है, ये आपके पास जिंक है और ये आपके पास क्या होता है पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, बस में आते हैं सारे के सारे। एक पॉइंट और लिखना है बेटा इसके अंदर, वो मैं आपको बिल लिखवा देता हूँ लास्ट के अंदर। एक पॉइंट है जो आपके पास देखो एनोड के अंदर वो क्या रहा है जिंक ने क्या किया 2 OH नेगेटिव लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बेटा, यहाँ पे 2 OH नेगेटिव कहाँ से आ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं बेटा, जो आपका KOH है इस OH ये OH इलेक्ट्रोलाइट का जो OH नेगेटिव वो यूज हो रहा है। देखो ध्यान रखना यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल OH नेगेटिव यूज हो रहे हैं बेटा 2, और देखो ये कहाँ पे यूज हो रहा है एनोड के अंदर बेटा,
एनोड के अंदर टू ओएच नेगेटिव यूज हो रहा है और उतना ही टू ओएच नेगेटिव कहां रिलीज हो रहा है बेटा आपका कैथोड के ऊपर। जितनी अमाउंट ध्यान रखना, जितनी अमाउंट ओएच नेगेटिव की एनोड के अंदर यूज हो रही है उतनी अमाउंट कहां रिलीज हो रही है बेटा कैथोड के अंदर। मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो ओएच नेगेटिव की जो अमाउंट है जितनी कंज्यूम हो रही है उतनी क्या है वहां पे बन रही है, तो उसकी अमाउंट क्या रह रही है इसके अंदर कांस्टेंट रह रही है। बात समझ में आती है? तो ये बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मर्करी सेल के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट कौन आपका KOH, इसकी जो अमाउंट है मर्करी सेल के अंदर क्या रह रही है कांस्टेंट रहती है। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना, जो मर्करी सेल होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक वो चलता है मर्करी सेल, जो आपका बटन सेल है, जब तक वो चलता रहेगा उसकी जो वोल्टेज होगी वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट होती है हमेशा कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आती है? तो एक नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार पूछ लेता है कि मर्करी सेल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट होती है वो कैसी रहती है वहां पे कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आती है? ये आपके पास कौन सा था, सेकंड सेल था, प्राइमरी सेल का सेकंड पार्ट था बेटा कौन सा, मर्करी सेल। तो इसको भी अच्छे से आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्लीज ये रिएक्शन प्लीज ध्यान, आपने ये मेमोराइज करने के लिए मैंने रिएक्शन पार्ट बताए थे इसको, ठीक है? ये लिखना नहीं आप लोगों ने, लिखना क्या आपने जिंक प्लस टू ओएच नेगेटिव गिव्स आउट, तो यहाँ पे क्या बन रहा था पहले आपका, यहाँ पे बन क्या रहा था, यहाँ पे जिंक ओएच का होल प्राइस बन रहा था बेटा। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल किस में टूट जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में वाटर में टूटेगा। और फिर ये टू इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं बेटा, इसके पास जाते हैं, और ये वाटर कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। मर्करी ऑक्साइड को मैंने दो पार्ट, जैसे आप NaCl को नहीं तोड़ लेते इस तरीके से, NaCl को तोड़ते हो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ऐसे मैंने क्या कर लिया मर्करी ऑक्साइड को क्या कर दिया दो पार्ट में तोड़ दिया, Hg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के अंदर बेटा। मर्करी Hg2 पॉजिटिव क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Hg में, तो एक प्रोडक्ट आपके पास Hg बन जाएगा, और जो बाकी बच्चा उन सभी को क्या करोगे ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद क्या बनेगा फिर OH नेगेटिव बन जाएगा। फिर इन दोनों को क्या कर दोगे बेटा ऐड कर दोगे, तीर से इधर वालों को इधर ऐड कर दोगे और इधर वालों को इधर ऐड कर दोगे, तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी किसके अंदर मर्करी सेल के अंदर। इतनी सी कहानी आपको क्या समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो इतना सा काम कर लेना बेटा, ओके।